हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, हम कल कंटिन्यू कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन स्पोरोफाइट ऑफ मार्सिलिया, जिसमें हमने स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर ले रहे थे, स्पोरोकार्प की मॉर्फोलॉजिकल नेचर ले रहे थे, और उसी को आगे बढ़ते हुए थर्ड वीडियो मार्सिलिया का लेने जा रहे हैं। और इसमें हम ले रहे हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोकार्प, यानी कि इस स्पोरोकार्प की संरचना किस प्रकार की होती है और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, और इसी प्रकार से इस स्पोरिंजिया की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। इस स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर के बारे में हमने कल अच्छी तरह से बात कर ली थी, लेकिन इस स्पोरोकार्प का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है इसको हम कंटिन्यू ले रहे हैं। इसको स्पोरोकार्प के डेवलपमेंट के बारे में जॉनसन 1898 ने मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिया के अंदर स्टडी की है, और उन्होंने बताया कि स्पोरोकार्प का जो ओरिजिन है या ऑरिजिन है, ये बाईफेशियल एपिकल लीफ सेल से होता है। लीफ सेल जो बाईफेशियल होती है उससे होता है, और इस सेल के अंदर पेयर ऑफ सेगमेंट्स कट होते हैं जिससे कि स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन होता है। इसके फॉर्मेशन के समय लीफ के पार्ट से प्राइमोर्डियम बनता है, जिसे लीफ प्राइमोर्डियम कहते हैं। ये लीफ प्राइमोर्डियम 6-7 सेल्ड हाई या मोटा होता है। इसे ही स्पोरोकार्प इनिशियल के नाम से जानते हैं, और ये जो पीटियोल होता है उसके नीचे की तरफ डेवलप होता है, उसके बेस के आसपास होता है। ये जो सेल होती है, ये सेल एक टू साइडेड एपिकल सेल की जैसे बिहेवियर करती है, और इससे दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ सेगमेंट्स कट होते हैं, और फर्स्ट सेगमेंट कट गया, सेकंड सेगमेंट कट गया, थर्ड सेगमेंट कट गया, फोर्थ सेगमेंट कट गया, और इस प्रकार से बहुत सारे सेगमेंट्स कटते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग स्पोरोकार्प इनिशियल्स बनती जाती हैं। ये स्पोरोकार्प इनिशियल्स जैसे ही बनती हैं, जो फर्स्ट स्पोरोकार्प इनिशियल बनती है उससे स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन होता है, देन उससे ब्रांचेज बनती जाती हैं। जो स्पोरोकार्प इनिशियल बनती है उससे एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल का मास बनता है, और उस मास के अंदर सेगमेंट्स कट होते हैं लेटरल साइड के अंदर, जिससे स्पोरोकार्प की वृद्धि होती है, और इससे टू रोज ऑफ सोरल मदर सेल्स अपीयर होती हैं। सोरल मदर सेल की दो कतार अपीयर होती हैं वेंट्रल साइड में, ऑफ द यंग स्पोरोकार्प की बात करें तब। और इसी समय फॉर्मेशन ऑफ इनुकुलेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ सोरल मदर सेल्स एंड देयर डेरिवेटिव। बहुत सारी इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। ये जो सोरल मदर सेल्स होती हैं, इनसे दो अल्टरनेटिंग रोज ऑफ कैनाल्स या कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ये जो कैनाल्स होती हैं, इन्हें सोरल कैनाल्स के नाम से जाना जाता है। हर एक जो सोरल कैनाल होती है, ये लाइंड अप होती है इट्स इनर सरफेस, उसकी आंतरिक सरफेस पर, बाई ए टू लेयर्ड टिश्यू, दो लेयर के टिश्यू के जरिए ये इनर सरफेस्ड होती है, जिसे इंडूसियम के नाम से जानते हैं या बीजाणु छद के नाम से जानते हैं। और जो रिसेप्टेकल होता है उसका सोरस फेसेस होते हैं, वो इंडूसियम इन ईच कैनाल होता है, और जो स्पोरिंजिया होती हैं ये रिसेप्टेकल के बेसिपिटल मैनर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये आप डेवलपमेंट को देख सकते हैं इसके अंदर। ये जैसे इस पार्ट के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर ये लीफ का पोर्शन है, पीटियोल का पोर्शन है, और इस पीटियोल के पोर्शन में इस जगह पर लीफ एपिकल सेल है जो अपेक्स की ग्रोथ करती रहती है, और इसके साइड में स्पोरोकार्प इनिशियल बन रही है। इस स्पोरोकार्प इनिशियल के अंदर फर्दर डिवीजन होता है, जिससे मार्जिनल सेल्स बनती हैं, और इसे एक मीडियन वॉल बन जाती है। इस मीडियन सेल से सोरस मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, और इसी के साथ में सोरल कैनाल या कैविटी बनती है। ये जो सोरस मदर सेल होती हैं, इन्हें सोरस सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये कैविटी अंदर की तरफ एंडिच होती है, जिसे सोरल कैनाल अंदर की तरफ एम्बिडेड हो जाती है। इस सोरल कैनाल के इस तरफ यहाँ पर स्पोर मदर सेल्स होती हैं। मान लीजिए कि ये मेगा स्पोर का निर्माण करेंगी, तो इन्हें मेगा स्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। और ये स्पोरिंजिया इस तरफ से आउटर और इनर टू लेयर इंडूसियम से कवर्ड हो जाती हैं।
जैसे जैसे इनके अंदर डिवीजन होता है मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल के अंदर, वैसे वैसे मेगा स्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं और ये कैविटी अलग और डीप डाउन हो जाती है, और इससे ऐसे कैसे दोनों तरफ से आउटर और इनर इंड्यूसियम से ये ढक जाती हैं। इसी तरह से जो फर्स्ट स्पोरेंजियल इनिशियल होती है यह उसके टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है, रिसेप्टिकल के टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिससे मेगा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। इसी के साथ में इसके लेटरल साइड में टू माइक्रो स्पोरेंजियल इनिशियल्स डेवलप होती हैं लेटरल साइड में, और इनसे माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। सॉरी यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम लिखा गया लेकिन ये माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं ये यानी कि जो ऊपर की तरफ सेल होती है वो तो मेगा स्पोरेंजियम में डेवलप हो जाती है, और जो लिटिल सेल्स होती हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप हो जाती हैं। जब यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया डेवलप होती हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया की किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है? हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है ये लगभग ओवल अंडाकार शेप में होती है, जिसके ऊपर लंबा स्टाक होता है, और ये रिसेप्टेकल के लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये साइज के अंदर छोटी होती हैं मेगा स्पोरेंजियम की तुलना में, और इनके ऊपर सिंगल लेयर्ड जैकेट होता है। ये सिंगल लेयर्ड दो लेयर्स ऑफ टैपिटम से फॉलोड होता है, इसके बाद में दो लेयर टैपिटम की होती हैं, और सेंटर के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है, और उस कैविटी के अंदर इंडेफिनेट माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इंडेफिनेट तो नहीं कह सकते लेकिन 16 से लेकर के 32 तक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही मैच्योरिटी होती है वैसे ही जो टैपिटल सेल्स होती हैं वे डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, और जो हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस डिवीजन होगा जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर चार माइक्रोस्पोर्स होंगे, हर एक माइक्रोस्पोर्स हैप्लोइड प्रकार का होगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स हैं इनकी संख्या 32 से लेकर के 64 होती हैं। यदि यहाँ पर 8 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं तो 8 × 32 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और यदि 16 हैं तो 16 × 64 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। इसलिए 8 या 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 32 या 64 तक माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम की वाल डिसइंटीग्रेट होती है, उसके साथ में ही इनका लिब्रेशन होता है। यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है? इस माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट सुपरफिशियल सेल के थ्रू होता है, और ये सुपरफिशियल सेल जो रिसेप्टिकल होता है उसके लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसे स्पोरेंजियल इनिशियल या माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दो सेल बनती हैं। बाद में जो आउटर सेल होती है उसे माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, और जो इनर सेल होती है उससे स्टाक वाल टैपिटम और माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो हैं 3 सक्सेसिव डायगोनल डिविजन्स होते हैं उसे टेट्राहेड्रल एपिकल सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे 3 कटिंग फेसेस बनते हैं, और 3 कटिंग फेसेस बनने से एक एपिकल सेल का फॉर्मेशन होता है। इस एपिकल सेल के अंदर 2 सेल्स डिवाइड होती है, जिनसे एक से स्टाक का फॉर्मेशन होता है, और इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होने से वाल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो आउटर फेस के अंदर होती है उस एपिकल सेल के अंदर देन आउटर स्मॉलर होती है प्राइमरी जैकेट सेल से, और जो इनर होती है उसे आर्किस स्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस माइक्रोस्पोरेंजियम की डेवलपमेंट को। यहाँ पर ये जैसे माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल है, इस माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया जिसे आउटर सेल और इनर सेल बन गई, और इस आउटर सेल और इनर सेल के अंदर जो आउटर सेल है इसके अंदर डायगोनल डिवीजन हो गए जिससे यहाँ पर एपिकल सेल का फॉर्मेशन हो गया, और इस जो इनर सेल है इसके अंदर रेक्टेंगुलर डिवीजन हो गए जिससे यहाँ पर ये जो एपिकल सेल है ये टेट्राहीड्रल हो गई, और
इसके अंदर डिवीजन होने से कटिंग फेसेस से बाहर की तरफ प्राइमरी जैकेट सेल्स और नीचे की तरफ स्टॉक का फॉर्मेशन होता जाता है, और इससे के साथ में ही जो आर्की स्पोरियल सेल है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं, और फर्दर डिवीजन होने से यहाँ पर टू लेड टैपिटम बन जाती है और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन जाती है। इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 तक होते हैं तो इनके अंदर मियोसिस होगा, तो 8 चौक 32 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, यदि 16 बनेंगी तो 16 चौक 64 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आउटर सेल है ये तो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करती है, और जो इनर सेल है इस इनर सेल से ये नीचे की तरफ जो स्टाक है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं जिनकी साइज छोटी होती है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स टेट्रार्ड्स हैं, और ये सारे के सारे स्पोरेंजियल वाल के अंदर प्रेजेंट हैं जिसे माइक्रोस्पोरेंजियल वाल के नाम से जानते हैं। इस तरह से एक माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाता है, और एक रिसेप्टेकल को आप देखें तो एक रिसेप्टेकल में अपेक्स के ऊपर यंग मेगा स्पोरेंजियम है और साइड के अंदर यंग माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं। मेगा स्पोरेंजियम साइज में बड़ी है और माइक्रोस्पोरेंजियम साइज में छोटी हैं, और ये पूरा का पूरा जो सोरस है ये चारों तरफ से टू लेयर्ड सेल से गिरा हुआ है जिसे इंडूसियम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है, और जो प्राइमरी जैकेट सेल्स होती हैं उनमें एंटीक्लिनल डिवीजन होकर के सिंगल लेड जैकेट बन जाती है, और आर्की स्पोरियल सेल में अगेन डिवीजन होते हैं पेरिक्लिनल जिससे आउटर प्राइमरी टैपिटल सेल बन जाती है और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन जाती है, और प्राइमरी टैपिटल सेल में फर्दर डिवीजन होते हैं पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन जिससे टू लेड टैपिटम का फॉर्मेशन हो जाता है और प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है जिससे 8 या 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती हैं जो हमने अभी बात की है, और हर एक के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है जिससे 8 होते हैं तो 8 चौक 32, 16 होते हैं 16 चौक 64 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। इसी के साथ साथ में है स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्फेरिकल होती है जिसमें शॉर्ट स्टाक होता है, और इसके शीर्ष के ऊपर ये रिसेप्टेकल के शीर्ष के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये साइज के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम की तुलना में बड़ी होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम की जैसे ही होता है। फर्क इतना ही होता है कि इस मेगा स्पोरेंजियम में सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, जबकि माइक्रोस्पोरेंजियम में 32 या 64 तक माइक्रोस्पोर्स होते हैं, और ये जो मेगा स्पोरेंजियम होती है ये मैच्योरिटी के ऊपर एक ही मेगा स्पोरेंजियम युक्त होती है। इस मेगा स्पोरेंजियम से मेगा स्पोर का लिब्रेशन जैसे ही मेगा स्पोरेंजियम वाल डिसइंटीग्रेट होती है वैसे ही हो जाता है। इस मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है? इसका जो डेवलपमेंट होता है एग्जैक्टली सेम होता है जिस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेगा स्पोर्स होते हैं उनमें से सभी डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल बचता है, और ये साइज के अंदर बड़ा हो जाता है, इसलिए इसे मेगा स्पोर कहते हैं। बाकी और कुछ भी नहीं होता है, वही 8 या 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल की बजाय मेगा स्पोर मदर सेल बन जाती हैं और उतने ही मेगा स्पोर बन जाते हैं 32 या 64, लेकिन उनमें से सिर्फ मैच्योरिटी पर एक ही फंक्शनल रहेगा और शेष डीजनरेट हो जाएंगे। उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, वह साइज में बड़ा हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग मेगा स्पोरेंजियम को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलने से वह साइज के अंदर बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये अकेले होने से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाते हैं। इसी के साथ में डाइसेंस ऑफ स्पोरोकार्प, जैसा कि हमने बात की स्पोरोकार्प के अंदर सोराई प्रेजेंट होते हैं, सोरस प्रेजेंट होते हैं, और सोरस के अंदर ये मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये बाहर कब आएंगे? जब स्पोरोकार्प का डाइसेंस होगा, स्फुटन होगा,
ये डाइसेंस कब होता है? इस प्रोकार्प का इन जनरल डाइसेंस नहीं होता है, वह धीरे धीरे डिकेइंग होता है, उसकी स्पोरोकार्प नष्ट होती है, वाल नष्ट होती है, और नष्ट होने से स्पोरेंजिया और स्पोर्स बाहर की तरफ आते हैं। जब ये बाहर की तरफ आते हैं तब इस स्पोरोकार्प ब्रस्ट होता है, और ब्रस्ट होता है कहाँ से? वेंट्रल साइड से और उसके अपेक्स से। ब्रस्ट होने पर उसके अंदर जो जिलेटिनस रिंग होती है ये वाटर एब्जॉर्ब करती है और उसके अंदर एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन होकर के वे जो किनारे होते हैं उनके मार्जिन से बाहर निकलती है, और बाहर इस प्रकार से निकलती है जिस प्रकार से ड्रैगिंग करती हुई निकल रही है, ऐसे ड्रैगिंग करती बाहर की तरफ निकलती है, और इसके साथ साथ में ड्रैगिंग करती बाहर की तरफ निकलती है और सीधी होती जाती है, और ये ठीक उस प्रकार से व्यवहार करती है जिस प्रकार से इस स्पोरोफोर के रूप में व्यवहार करती है। और ये जिलेटिनस जो रिंग है उसके ऊपर दो अल्टरनेटिंग रोज ऑफ सोराई प्रेजेंट होती हैं, ये डेलिकेट होती है, म्यूसिलेजिनस वालयुक्त होती है, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया एज वेल एज मेगा स्पोरेंजिया, जिनके अंदर स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लिब्रेट हो जाते हैं और लिब्रेट होकर के जल्दी ही जर्मिनेट हो जाते हैं। इससे इस स्पोरोकार्प के डाइसेंस की प्रक्रिया को आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि शुरू के अंदर इस स्पोरोकार्प इस प्रकार का होता है और ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, और ये जो वेंट्रल साइड है यहाँ से इसके अंदर स्फुटन होता है और इससे बाहर की तरफ ये जिलेटिनस टिश्यू बाहर आता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे ड्रैगिंग करता हुआ बाहर की तरफ निकलता है, इस रूप में सीधा हो जाता है, जिसके अंदर की तरफ पहले ये सोरस प्रेजेंट हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि पूरा का पूरा कंप्लीटली बाहर आ जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं दो कतार हैं, एक सामने की तरफ और एक बैक साइड के अंदर, ये सोराई की कतार हैं, ऐसे ही कतारें ऐसे लगी हुई हैं और दोनों कतारें एक दूसरे के आमने सामने हैं, दोनों की मेगा स्पोरेंजियम एक दूसरे के आमने सामने हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम इस तरफ और इस तरफ प्रेजेंट हैं। तो आप इनकी इस साइड को देखेंगे या बैक साइड को देखेंगे स्पोरेंजिया नहीं दिखाई देंगी, लेकिन इनकी इनर साइड के अंदर आमने सामने मेगा स्पोरेंजियम होंगी और लेटरल साइड के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगी। ये ऐसे कैसे अल्टरनेटिव रूप में दिखाई दे रही हैं और ये सैकलाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रही हैं, हर एक जो सोरस है वह ऐसे कैसे चारों तरफ से इंडूशियम से कवर्ड है, और हर एक को आप ऐसे कैसे देख सकते हैं, और अल्टीमेटली ये ऐसे कैसे धीरे धीरे जैसे ड्राइप होंगे वैसे ही इनके अंदर जो स्पोर्स होंगे, माइक्रोस्पोर्स होंगे, मेगा स्पोर्स होंगे, वे नीचे ज़मीन पर गिर जाएंगे, और ज़मीन पर गिर के जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं वैसे इनका जर्मिनेशन हो जाएगा और इनसे फिर नया प्लांट बनेगा और उस नए प्लांट को हम गेमेटोफाइट कहेंगे। इस प्रकार से स्पोरोफाइट के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड दो वीडियो लिए हमने, जिसमें पहले वीडियो के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें स्पोरोकार्प किस प्रकार का होता है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर किस प्रकार की होती है, और इस वीडियो के अंदर हमने बात की कि स्पोरोकार्प किस प्रकार से डेवलप होता है और इस स्पोरोकार्प के अंदर जो स्पोरेंजिया होती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है और उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, और इसी के साथ साथ में एट द लास्ट हमने बात की कि स्पोरोकार्प किस प्रकार से डही से होता है, जिससे स्पोरेंजिया से स्पोर्स मेगा स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स बाहर जमीन पर कैसे आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट या लास्ट पार्ट हम अगले वीडियो के अंदर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और राजकीय विज्ञान महाविद्यालय से अध्ययन के लिए आप जुड़े रहिए, और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बावलिया से जुड़े रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप से अटैच रहिए, कोरोना काल में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।